नासिर मशरक एचडी से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्पिनी रोड के मेन शाहरा पे, जिसे सफजल चौक कहा जाता है। स्पिनी रोड का मेन चौक है ये। तो शदीद ट्रैफिक जाम की वजह से रोड सारे ब्लॉक हो चुके हैं, यहाँ तक के जो आवाम है वो फुटपाथ का सहारा लेकर अपनी मदद आप बस निकल रहे हैं। जहाँ से उनको रास्ता मिल रहा है वो वहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक के कोई कवानी नहीं है, ना ही कोई ट्रैफिक का नुमाइंदा यहाँ पर खड़ा है जो कि इस ट्रैफिक को बहाल कर सके। और यहाँ पर लोग अपनी मदद आप कोशिश कर रहे हैं कि वो रास्ता खोल लें। शदीद परेशानी का आलम है यहाँ पर। किसी को घर जाना है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, कोई ऑफिस से घर जा रहा है, कोई स्कूल से घर जा रहा है, कोई कॉलेज से घर जा रहा है। और यहाँ तक के रास्ता इतना बंद है कि बिल्कुल आवाम यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे से खड़े हैं और कोई अब तक ट्रैफिक का कोई नुमाइंदा नहीं आया यहाँ पर कि ताकि इस ट्रैफिक को बहाल कर सके। लोग जो है शदीद परेशानी और गम का शिकार हैं। अजी साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। जी असम भाई, मेहरबानी करना यार, आ जाओ, इसको खोलो यार, मेरे मरीज हमारा पास पड़े हुआ है, मैं किधर से चला जाऊं? सारे रास्ते तो बंद हुआ यार, दो घंटे तीन घंटे से हुए हैं यार। देखे असल मसला ये है ना कि अभी जो ट्रैफिक वाले ना वो बेचारा चौक पे एक बंदा खड़ा है तो उस एक का जो है कोई भी नहीं मानता है। असल में अभी इस टाइम स्कूल बंद हुए या जो दफातर वाले बंद है वो आ रहे जा रहे, तो हर कोई अपने तरीके से अपने सिस्टम से आप देख रहे हैं कि दो लाइन भी एक साथ जा रहे, तीन लाइन भी एक साथ जा रहे, तो असल में जो हम लोगों के साथ भी शऊर नहीं है। मेरे भाई ये मुल्क के निज़ाम में एक घंटा हो के हम लोग बच्चे लेके आए हैं, रश में फंसे हुए हैं। अभी बच्चों ने फिर ट्यूशन पे जाना है, उसका भी टाइम सारा ज़ाया हो रहा है। कोई इधर पधर मुल्क का कोई हाल वाल नहीं मेरे भाई। वाले से ही कहता हूँ, देखो ट्रैफिक सारा जाम है। अभी ये भाई को जो है खून का जरूरत है, रास्ता जो है बंद है। मुझे 20 मिनट हो रहे हैं, बाकी ये मसला ये इस चौक के साथ मेरे 2 साल का ताल्लुक है। यहाँ पे जो भी ट्रैफिक वाला आ रहा है वो आवाम की खिदमत नहीं कर, बस ये सारा फंसा हुआ है, लोग बीमार बैठा हुआ है बीचे, बस ऐसा हाल है। तुम खुद देख रहे सार रोडे, लोग भी दूसरी साइड पे भी आता है, कोई सिस्टम नहीं है। हमारी ये ख्वाहिश है मशरक साइड से कि ट्रैफिक वाला कम से कम स्कूल के टाइम पे आना चाहिए, क्योंकि बहुत रश होती है यहाँ पे, रोग पसा होते हैं, यहाँ से पीछे एम्बुलेंसें भी खड़े थे। अभी हमने देखा तो एक छोटा लड़का था, बीमार था, उसको अपने हाथों में पकड़ा था, ले जा रहा था, लेकिन ट्रैफिक वाला यहाँ पे कोई नहीं। ये कोई साइड एरिया नहीं है जहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो हमारे हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इस पर जल्द अज जल्द काम करे। यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रैफिक के नुमाइंदे रखे जो अपना काम बखूबी सर अंजाम दे। कैमरामैन शाहजीब शाह के साथ यासिर बलोच, मशरक एचडी, क्वेटा।